हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई मीर। आज की रेसिपी है राइस बॉल। ये राइस बॉल को मैंने बचे हुए चावल से बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रसोई मीर को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल चावल लिया है, इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए चावल बिल्कुल इसके तैयार हो गए हैं। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मैंने 2 आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू हैं और मैश करे हुए हैं। इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर आपके घर में नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच कॉर्न, 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे, हरी धनिया भी डाल देते हैं। अब इसमें चीज डालेंगे, चीज डालने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा पानी और डो को लेंगे हाथों में और इसको करेंगे गोल गोल, बॉल की शेप देंगे। अब ये राइस बॉल को ब्रेड क्रम्स में डालकर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए राइस बॉल बनकर तैयार हो गए। ऐसे ही मैंने सारे राइस बॉल बना कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को खूब गर्म कर लेना है। अब इसमें एक एक करके डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है। ये देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये सारे। ऐसे ही हमें फ्राई कर लेने हैं। अब इसको गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लेते हैं और हरी चटनी के साथ में सर्व करते हैं। आप लोग घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है और आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ नई नई रेसिपी देखने के लिए। मिलते फिर एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।